कन्नौज में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एक कारोबारी के परिवार को बंधक बना लिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नकाबपोश बदमाश ने कारोबारी के घर पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाश लाखों की डकैती डालकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। रायबरेली में फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ये गिरोह फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 9.25 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। गिरोह के सदस्य पटना के रहने वाले हैं। ललितपुर से सराफा कारोबारी के साथ लूट की वारदात हुई है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने सराफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी गांव-गांव जाकर सोने और चांदी के आभूषण बेचता था। लुटेरों ने सराफा व्यापारी को तमंचा दिखाकर पहले पिटाई की, फिर उसके पास मौजूद करीब 60,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। सराफा व्यापारी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बड़ी खबर बस्ती से आ रही है, जहां दबंगों के आगे राजस्व विभाग की टीम दुम दबा कर भागने का को मजबूर हो गई। बताया जा रहा है कि ये शिकायत पर धारा 24 की पैमाइश करने पहुंची थी टीम, मगर कुछ लोग इसका विरोध करने लगे और पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ ही भिड़ गए। दबंगों के विरोध के चलते राजस्व विभाग की टीम पैमाइश छोड़कर बैरंट लौट गई। अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करता हुआ दिख रहा है। इसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि कोई इस तरह से स्टंटबाजी ना सिर्फ जानलेवा होता है बल्कि ये ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन है। बिना किसी परवाह के ये स्टंटबाज स्टंटबाजी करते हुए दिख रहे हैं रोड पर। खबर नोएडा से है। नोएडा में लुटेरों का आतंक बढ़ गया है। लुटेरों के आतंक की एक और तस्वीर आपके सामने है। बाइक सवार लुटेरे महिला से दिन दहाड़े मोबाइल लूट कर फरार हो गए। यह मामला थाना 24 इलाके का बताया जा रहा है। इस दौरान महिला काफी दूर तक घसीटते हुए नजर आई, जिससे महिला को काफी चोट आई है। महिला की शिकायत पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।